जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशिफल 2021 के बारे में, यानी 2021 आपके जीवन में कैसा रहेगा, यानी जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का समय तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, जानेंगे आप राशिफल में। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन यानी घर परिवार की बात करेंगे, करियर व्यापार और नौकरी की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे, प्रेम संबंधों की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, तभी आप तुला राशि के राशिफल के बारे में सही जानकारी को पूरी तरह जान पाएंगे। चलिए साल के शुरू में ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। राशि स्वामी शुक्र वर्ष के शुरू में केतु के साथ युति में होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे। केतु पूरे वर्ष यहीं पर होंगे, आपके दूसरे भाव में होंगे। तीसरे भाव धनु राशि में बुध और सूर्य एक साथ होंगे। वर्ष के शुरू में चौथे भाव मकर राशि में शनि होंगे, जो कि पूरे वर्ष यहीं पर होंगे। गुरु भी मकर राशि में शनि के साथ होंगे। सप्तम भाव में मेष राशि में मंगल होंगे। अष्टम भाव में वृष राशि में राहु होंगे, जो कि पूरे वर्ष यहीं पर रहेंगे। दशम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा होंगे। वर्ष के शुरू में इस तरह की ग्रह स्थिति होगी तुला राशि में। तुला राशि वालों की सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन की बात करेंगे। तुला राशिफल के जातकों की वर्ष के शुरू में 21 फरवरी तक लगन पर और दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, इसलिए स्वभाव में क्रोध और उत्तेजना देखने को मिल सकती है। और इस राशि पर शनि की ढैया रहेगी, इस कारण भागदौड़ हो सकती है और खर्चे बढ़ सकते हैं। और 4 जनवरी से 27 जनवरी तक राशि स्वामी शुक्र धनु राशि में रहेंगे, तृतीय भाव में होंगे, सूर्य का साथ भी मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, भाइयों के साथ अच्छे संबंध होंगे। फरवरी और मार्च का महीना आपको नए दोस्त मिलेंगे, कई अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। इस समय पर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, कोई वाद विवाद के चांस कम ही हैं। वहीं मई के महीने में वैवाहिक जीवन में आपस में वाद विवाद हो सकता है। जून और जुलाई में कुछ मन में तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आपके पिता के साथ संबंध बेहतर रहेंगे, साथ ही आप अपने सारे कार्य बखूबी निभाएंगे। अगस्त और सितंबर में पारिवारिक तनाव हो सकता है, परिवार में आपस में बहस से बचें, कोई व्यर्थ की बातों को ज़्यादा लंबा ना करें। साल की आखिरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर तक का समय परिवार में कोई धार्मिक कार्य या उत्सव हो सकता है। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। मिले जुले फल प्राप्त होंगे, आय भी ठीक रहेगी, लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। अब आपके करियर व्यापार और नौकरी की बात कर लेते हैं। साल के शुरू में द्वितीय भाव में शुक्र वृश्चिक राशि में केतु के साथ हैं और 4 जनवरी को ही राशि स्वामी शुक्र धनु राशि में सूर्य के साथ युति करेंगे, तो जनवरी का महीना आपके कैरियर के हिसाब से अच्छा ही रहेगा। फरवरी में 4 ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी, यानी वहां पर गुरु और शनि पहले से होंगे, सूर्य भी होंगे। और 28 जनवरी को राशि स्वामी शुक्र भी मकर में आएंगे। इस तरह 4 ग्रहों की युति होगी, जो कि आपके कारोबार में उन्नति का समय होगा।
मार्च का महीना नौकरी वालों के लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग को संघर्ष करना पड़ सकता है, नौकरी वालों को प्रमोशन भी मिल सकता है। अप्रैल में शुरू में सूर्य मीन राशि में होंगे, आपके छठे भाव में होंगे, जॉब वालों को फायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जून और जुलाई का महीना व्यापारी वर्ग में नौकरी वर्ग दोनों के लिए सामान्य रहेगा। अगस्त से अक्टूबर तक का समय कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देगा। व्यापारी वर्ग तथा नौकरी वर्ग दोनों के लिए अच्छा समय रहेगा। नवंबर से दिसंबर तक का समय कार्य क्षेत्र में विस्तार का समय होगा। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं और नौकरी वर्ग हो तो प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, नई नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन एक बात है कि आपके आठवें घर में राहु पूरे वर्ष रहेंगे, इसलिए अचानक लाभ या अचानक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी उतार चढ़ाव देखने को तो मिल ही सकता है। अब आपके धन की बात कर लेते हैं। साल के शुरू में आपके चौथे भाव में गुरु शनि की युति रहेगी। शनि आपके चौथे और पांचवें भाव के मालिक हैं, अपने घर में हैं और फरवरी में राशि स्वामी शुक्र यानी 28 जनवरी से ही राशि स्वामी भी चतुर्थ भाव में ही आएंगे और सूर्य भी यहीं पर होंगे, तो चार ग्रहों का योग 28 जनवरी से ही बन जाएगा। इस समय आपको धन लाभ के लिए अच्छा समय है। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो इस समय आपको शेयर बाजार से लाभ हो सकता है। मार्च के महीने में खर्चे अधिक होंगे, इस कारण आपका बजट खराब हो सकता है। हालांकि अप्रैल में फिर से धन के हालात सामान्य हो जाएंगे, इस समय आपको लाभ होगा। विदेश से जुड़े कारोबार हैं आपको इस समय अच्छा फायदा विदेश से हो सकता है। इस समय की गई विदेश यात्रा आपको फायदा देगी। मई और जून भी धन के मामले में अच्छे ही रहेंगे। वहीं जुलाई और अगस्त के महीने, दोनों महीनों में आपको धन कारोबार से अलग अन्य कार्यों से भी मिल सकता है। इस साल आपको नए वाहनों का सुख मिल सकता है, यानी आप वाहन खरीद सकते हैं। सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय आपको मिले जुले फल देगा, लेकिन इस साल आपका धन का मामला ठीक ही रहेगा। लेकिन राहु आपके अष्टम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे और केतु दूसरे भाव में रहेंगे, इससे आपको धन लाभ तो होगा लेकिन आप गलत तरीके से धन कमाने से बचें, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। अब आपकी शिक्षा की बात करते हैं। अगर आप छात्र हैं तो इस वर्ष आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे। साल के शुरू में जनवरी से अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक का समय आपके शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन को और निखारेगा और बेहतर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। इस वर्ष आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी सफलता प्राप्त होगी। अगर मेहनत में कमी रहती है तो अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपके वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। साल के शुरू में मंगल सप्तम भाव में है और लगन पर और दूसरे भाव पर दृष्टि है और आपका दूसरा व अष्टम भाव राहु केतु के एक्सिस में है, ऐसा ही गोचर है। अष्टम में राहु है, द्वितीय भाव में केतु है, जो कि पूरे वर्ष यहीं पर हैं, जिससे आपके जीवन साथी में से मन मुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, इसलिए एक दूसरे को समझें और बातों को बढ़ाएं नहीं। आपकी ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद हो सकता है। फरवरी माह में चार ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी। इस समय आपस में प्यार बढ़ेगा, आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। मार्च का महीना कुछ खास नहीं रहेगा, अप्रैल का महीना प्यार को बढ़ाएगा। इस महीने आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मई और जून का महीना वाद विवाद ना करें, इन महीनों में एक दूसरे पर पूरा यकीन करें, कोई गलत फहमी ना पालें। जुलाई और अगस्त का महीना आप दोनों के लिए फिर से अच्छा रहेगा, आप दोनों घूमने फिरने जा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक का समय उतार चढ़ाव वाला होगा। इस समय आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए किसी की बात पर यकीन न करें, खासकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर यकीन बिल्कुल ना करें। आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस वर्ष आप
विवाह बंधन में बन सकते हैं अगर आपका प्रेम पहले से है तो। साल के शुरू में ही राशि स्वामी 4 जनवरी से धनु राशि में सूर्य के साथ होंगे और फरवरी में मकर राशि में 3 ग्रहों के साथ रहेंगे, 4 ग्रहों की युति बनाएंगे चतुर्थ भाव में। इस समय आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस समय आपका प्यार का रिश्ता मजबूत होगा। मार्च का महीना सामान्य रहेगा। अप्रैल और मई के महीने में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस समय आपकी लव लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर यकीन रखना होगा। यकीन महत्वपूर्ण है। जून का महीना सामान्य रहेगा। जुलाई और अगस्त का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। अच्छा समय बीतेगा आप लोगों का एक दूसरे के साथ। सितंबर से दिसंबर तक का समय प्रेम संबंधों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। इस समय आप गलतफहमी के शिकार ना हों, एक दूसरे पर भरोसा रखें, तो फिर पूरा वर्ष आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए लगभग अच्छा ही रहेगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके अष्टम भाव वृष राशि में पूरे वर्ष राहु का गोचर रहेगा और द्वितीय भाव में केतु का गोचर भी पूरे वर्ष रहेगा, तो इस साल स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी समस्या हो उसका बचाव करें, उसको बढ़ने ना दें, वरना फिर दिक्कत बढ़ सकती है। उसका तुरंत इलाज कराएं। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, ध्यान दें आप, अन्यथा आपको स्वास्थ्य के चलते किसी भी कार्य को पूर्ण करने में दिक्कत आ सकती है। वैसे स्वास्थ्य में बहुत चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब तुला राशि वालों के उपाय की चर्चा कर लेते हैं। शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं। महीने के प्रत्येक शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और कभी कभी गुड़ भी खिलाएं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के वार्षिक राशिफल 2021 के बारे में कुछ बातें बताई। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।